बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी अपडेट है रिगार्डिंग हमारे सेकेंड टेस्ट सेशन कैफ के हवाले से। तो आज की वीडियो में हम कुछ क्लैरिफिकेशन और कुछ क्वेश्चन को आंसर करेंगे जो कि तमाम स्टूडेंट पूछते हैं। जाहिर सी बात है कि जनरल जो क्यूरीज हैं वो आप तक पहुँचा देनी चाहिए, एक अपडेट भी हो जाती है और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर के ये हम कौन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट सेशन लेने जा रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन के इस सेशन को स्टार्ट करने की वजह क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला टेस्ट सेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है और उसके अंदर स्टूडेंट्स उसको अवेल भी कर रहे हैं, एक अच्छी खासी तादाद इनरोल्ड है और हमारी उसकी डिस्कशन क्लासेस भी चल रही हैं। उसके अंदर स्टूडेंट्स को हम मार्कशीट भी मिल रही हैं, चार चार टेस्ट हो भी चुके हैं, ठीक है, एक अच्छा उनका फीडबैक माशाल्लाह चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो बेटा पहली बात, ये तमाम सब्जेक्ट्स का सेशन नहीं होगा। उसके रीज़न कि मैंने पिछली वीडियो में एक बात की थी कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितने स्टूडेंट ले आते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि हम कितने स्टूडेंट्स को हैंडल कर पाते हैं इफेक्टिवली। तो लिहाजा किसी को ओवरबर्डन नहीं कर सकते हम किसी टीचर को। अगर हमारे किसी सब्जेक्ट का कोई टीचर ओवरबर्डन हो रहा है तो हम उसका टेस्ट सेशन नहीं स्टार्ट कराएंगे। उसके रीज़न कि देखो हमने क्वालिटी इंश्योर करनी है, ना कि हमने क्वांटिटी इंश्योर करनी है। तो लिहाजा सिर्फ चार सब्जेक्ट का हमारे पास इस बार टेस्ट सेशन होगा इंशाल्लाह, और वो तीन सब्जेक्ट जिसके अंदर मेरे होंगे, लॉ दोनों बिला सिला एंड टैक्स, एंड इसी तरह एक से उसके अंदर ग्रुप वन का हमारा आर वन का जो रिपोर्टिंग वन है हमारा उसका सब्जेक्ट है, उसका टेस्ट होगा। हमारे टेस्ट इंशाल्लाह 28 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। शेड्यूल्स वगैरह के लिए, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी डिटेल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिन का नंबर शान साहब वो मौजूद हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, आप पर्सनली मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि इस टेस्ट सेशन को स्टार्ट करने की वजह क्या है। तो देखो बेटा हमारे यहाँ तीन तरह के स्टूडेंट हैं, बल्कि कई तरह के होते हैं, तीन मेजर कैटेगरीज हैं। कुछ स्टूडेंट वो थे जो शुरू से रेगुलर बैचेज ले रहे थे, कुछ स्टूडेंट वो थे जिन्होंने पोस्ट रिजल्ट में जाकर ज्वाइन किया था, एंड इसी तरह कुछ स्टूडेंट वो थे जो AFC पास करके उन्होंने भी रिसेंटली जो है वो अपनी ज्वाइन किए। एंड सिमिलरली इस तरह चौथी एक कैटेगरी वो थी जिनके साथ हमारा टेस्ट स्केड्यूल मैच नहीं हो रहा था। उसकी रीजन क्या है कि उन स्टूडेंट्स का कोर्स कवरेज प्लान डिफरेंट है, और खासतौर पे वो स्टूडेंट जो रेगुलर बैच के हैं, क्योंकि पोस्ट रिजल्ट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं इन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होता है, तो लिहाजा इनको इतना इशू नहीं होता इन टेस्ट सेशन के अंदर या स्केड्यूल के अंदर। वो स्टूडेंट जो खासतौर पर रेगुलर बैच में होते हैं वो जब तक पढ़ेंगे नहीं तो वो टेस्ट नहीं दे सकते होते। तो लिहाजा तीन चार तरह के स्टूडेंट थे जिसकी वजह से ये हो रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स उस वक्त हमारा जब रेगुलर स्टार्ट हुआ तो वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। अब वो उनकी बार बार क्यूरीज आ रही थी कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्योंकि ऑलरेडी हमारे 30% टेस्ट हो चुके हैं, चार चार टेस्ट हर सब्जेक्ट के तकरीबन हो चुके हैं, डिस्कशन क्लासेस हो चुकी हैं, तो ये हमारे लिए तो एक फ़ायदा था किसी के अंदर घुसेड़ दो, लेकिन नहीं, जाहिर सी बात है कि हमने अपना फ़ायदा बहरहाल इसमें सेकेंडरी करके प्राइमरी में आपको रखना है। आपका बहरहाल एक फ्यूचर का सवाल है, आपके एक पेपर का सवाल है, तो लिहाजा इसके लिए हमने किया कि हम एक चले एक डिफरेंट सेशन जो है वो स्टार्ट कर देते। तो ये हमारा सेशन जो है 28 जून से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है। हाँ, इसके अंदर टेस्ट की तादाद थोड़ी कम होगी, ये फिर वही बात कि ज़्यादा टेस्ट रख के हमने चीज़ों को ओवरबर्डन नहीं करना, हमने सिंपल रखना है। जाहिर सी बात है कि अगर इसके अंदर टेस्ट दो चार कम हैं, से कि हम 10 टेस्ट 9 टेस्ट तक पर सब्जेक्ट 9-10 टेस्ट तक तो बहरहाल होंगे, जिसके अंदर मिड भी शामिल होगा, जिसके अंदर मॉक भी शामिल होंगे, डिस्कशन क्लासेस भी शामिल होंगी, लेकिन इसकी फीस भी हमने सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दी है। जो कि पिछले सेशन में हमने 1500 रखी थी, इन स्टूडेंट्स के लिए जस्ट 1000 के अंदर हम ये वाला पूरा सेशन उनको दे रहे हैं। ग्रुप आपने लाजमी ज्वाइन करना है, उसके और भी काफ़ी फायदे हैं। उसके अंदर हमारे नोट्स आते रहते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते रहते हैं, हमारे डिस्कशन क्लासेज उसके अंदर होती हैं, इसी तरह हमारी रिवीजन क्लासेस भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे रिसोर्सेज मौजूद हैं वो उन ग्रुप्स के अंदर शेयर होते रहते हैं। तो ग्रुप के अंदर आपने लाजमी खुद को एनरोल करना है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी किस्म की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो एडमिन का नंबर नीचे मौजूद है, आप उससे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, वो आपको तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक हो गया बेटा। तो अपनी पढ़ाई के साथ सिंसियर रहें, अपनी प्रिपरेशन के साथ सिंसियर रहें, अपने आप को मेहनती बनाएं थोड़ा सा, और इस बार आप पेपर निकाल के दिखाएं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे। बच्चे मिलते हैं इंशाल्लाह फिर डिस्कशन क्लासेस में। अल्लाह हाफिज़।